Chapter 3, शुरू करते हैं, classification in elements and periodicity in properties. अब हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, क्या? कि जब शुरू में साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया, तो there were approximately 2000 patterns जो उन्होंने बनाए to give the classification. बहुत सारे पैटर्न्स जो थे वो कम एलिमेंट्स को लेके थे, जिनके लिए पैटर्न्स रियली रिक्वायर्ड भी नहीं थे. क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स बहुत कम थे, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद करना इजी था. ठीक है, सो इनिशियली 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर धीरे धीरे डिस्कवरी फास्ट होती गई और एलिमेंट 63 हो गए. एंड एज ऑफ नाउ हम लोग 140 एलिमेंट्स जो है हमको पढ़ रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स मैनमेड भी हैं. ठीक, Now, जब इसकी क्लासिफिकेशन शुरू हुई, जब 63 एलिमेंट्स हो गए, तो साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, 63 एलिमेंट्स की हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेमोराइज करना और हर एक एलिमेंट के बारे में जानना और याद रखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता जा रहा था. तो उन्होंने पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए थे. सबसे पहले जो पैटर्न बनाया था वो डॉबिनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन थ्री. ट्रायड का मतलब क्या होता है, इन अ ग्रुप ऑफ थ्री. ठीक है, सो थ्री में जब उसने किया तो व्हाट डिड ही डू, कि फर्स्ट और उसने एक अज्यूम करा कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड. ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड. द फर्स्ट ट्रायड वाज दैट ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, जिसमें लिथियम का 7 था और पोटेशियम का 39. तो अगर हम इसका एवरेज ले 39 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 23 आ जाता है. और सोडियम का अदरवाइज भी मास जो था 23 था. तो प्रेडिक्टेड मास जो डॉबिनर ने दिया और ओरिजिनल मास, दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम थी. सो ये वाला ट्रायड जो था वो सक्सेसफुल हो गया. ठीक है, सेकेंड ट्रायड जो उसने दिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का, कैल्शियम का एटमिक मास 40 होता है, बेरियम का 137 होता है. तो कैलकुलेटेड एटॉमिक मास इसका कितना हो रहा है, दैट इज 88.5 और ओरिजिनली उसका मास कितना होता है 88. सो देयर इज हार्डली 0.5 का डिफरेंस, सो दैट वाज ऑलमोस्ट एक्यूरेट. थर्ड जो आया, थर्ड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रायड दिया, क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127 और जब एवरेज निकाला तो क्या आ रहा है 81.25 और कितना होता है अदरवाइज ब्रोमीन का, इट इज इक्वल टू 80. सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ 1.25 जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. पर ट्रायड्स की स्टोरी जो थी वो यहीं तक खत्म होगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये एक हिंटन ट्रायल मेथड था जो कि डॉबिनर ने किया था और वो हिंटन ट्रायल मेथड बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपनसेट या बाकी एलिमेंट्स के साथ अप्रोप्रिएट फाइंड नहीं हुआ. ठीक है, फिर और एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेटर मेथड यूज किया गया जो कि डिस्कवर किया था न्यूलैंड ने और उसको हम बुलाते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन सच अ मैनर कि फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी. फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज सेम. ठीक है, सो जस्ट लाइक ऑक्टेव हम इसको क्यों बुला रहे, क्योंकि साउंड ऑफ म्यूजिक को भी हम लोग ऑक्टेव बुलाते हैं, सा रे गामा पा धा नी फिर से सा आ जाता है, तो एथ इज सा अगेन. उसी तरह से यहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सिमिलर होती है. तो ऑक्टेव्स में उसका फर्स्ट आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. और हमने क्या बोला था कि जो नोबल गैसेस है उनको डिस्कवर नहीं किया गया. ठीक है, सो उसके बाद सोडियम, सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड देन एट्थ. फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी सेम हो गई. फिर आ गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और पोटेशियम एंड कैल्शियम.
So again sodium and potassium ki properties same aa jayegi, magnesium and calcium ki properties same aa jati hai, beryllium and magnesium ki properties bhi same hai, boron aluminium ki bhi same hai. To aap kahin se bhi counting shuru karoge to 8th element ki jo properties hongi wo hamesha same hongi. Agar suppose hum boron se counting shuru karte hain to 1 2 3 4 5 6 7 8. So boron and aluminium both they are going to have the same properties. Right? पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही उसने डिस्कवर किया, उससे आगे वो कंफ्यूज हो गया और उसने उससे आगे कुछ भी पेपर्स में पुट फॉरवर्ड नहीं किया. ठीक है, फिर थर्ड जो था वो लॉथर मैन ने एक अरेंजमेंट दिया था. चलो पहले मेंडेलीव का पढ़ लेते हैं. मेंडेलीव ने एक लॉ दिया विच वॉज नोन एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. इस दौरान तक काफी एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे. सो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ में उसने क्या बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ their atomic weights, are a function of their atomic weights. और इसके पूरे के पूरे जितने भी elements उस वक्त discover हुए थे उसको increasing atomic weights में क्या कर दिया, design कर दिया या pattern बना दिया उसका, या आप बोलो arrange कर दिया, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, पर Mendeleev से पहले एक और scientist था जिसका नाम क्या था, लॉथर मेयर. लॉथर मेयर और मेंडेलीव के दोनों की डिस्कवरीज जो थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम थी. लॉथर मेयर ने इसी पूरे प्रिंसिपल को लेके एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया था और वो पुट करने वाला था, पेपर्स अपने सबमिट करने वाला था, पर उससे पहले ही मेंडेलीव ने पेपर सबमिट कर दिए. इसलिए हम इस लॉ को पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, Mendeleev's periodic table में हमने क्या किया था, इट इज अरेन्ज इन हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स, इट इज सिक्स पीरियड्स एंड एट ग्रुप्स. सो लेट्स गो ऑन टू Mendeleev's periodic table वंस अगेन. द एंटायर टेबल करने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. मोस्टली इसमें सक्सेस और ड्रॉबैक ऑफ Mendeleev's periodic table हमें क्वेश्चंस में आती है. ठीक है, सो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था हम बोल रहे हैं कि इट वाज इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स पीरियड्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स, एट ग्रुप्स, और एट ग्रुप्स पे भी सब ग्रुप्स वर प्रेजेंट. हर एक ग्रुप में टू सब ग्रुप्स प्रेजेंट थे. राइट, अब इसने एक जो इसने नोबल गैसेस पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो नोबल गैसेस भी डिस्कवर हो गए. तो नोबल गैसेस में उसने जो नोबल गैसेस थे उसको पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जगह दी, कहां पे, इन द जीरो ग्रुप. ठीक है, इन द जीरो ग्रुप. So let's write down the success of Mendeleev's periodic table. Success of Mendeleev's periodic table. The first success was that it gave us the systematic study of elements. अब उसने एक क्या बोलते हैं उसको कि एक पैटर्न बना दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज कर दिया इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर. अरेंज करा कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स. ओके, सो उसने जब उसने अरेंज कर दिया तो जो इसकी स्टडी थी एलिमेंट्स की और प्रॉपर्टीज की वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गई. ठीक है,
क्लियर हो गया सेकंड जो इसका था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में जिनके एटॉमिक मासेस गलत थे पर जब उनको अरेंज करा गया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया था ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम का कितना था 13.5 प्रेडिक्टेड बेरिलियम का 13.5 था बट अकॉर्डिंग टू द टेबल इट वाज करेक्टेड टू 9 उसी के साथ साथ मेनी अदर एलिमेंट्स लाइक सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम इन सब के एटॉमिक मासेस में चेंजेस की गई अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देन थर्ड सक्सेस इसकी थी प्रेडिक्शन ऑफ prediction of new elements right Mendeleev as we discussed ki Mendeleev jo tha wo apne periodic table ko leke itna zyada confident ho chuka tha ki jo usne banaya hai wo sab kuch theek hai uske basis pe usne kuch khali jagah bhi chhod di aur us khali jagah pe usne kya bola कि जो एलिमेंट्स कल को डिस्कवर होंगे उन एलिमेंट्स को हम उसमें प्लेस कर सकते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल उसने सिलिकॉन के बाद जगह छोड़ दी और नाम दे दिया एका सिलिकॉन एका मींस नेक्स्ट टू सिलिकॉन तो सिलिकॉन से नेक्स्ट जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ दैट वाज यूरेनियम और उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिलिकॉन के तरह ही थी राइट फिर नेक्स्ट एका एल्युमिनियम एल्युमिनियम की बाद की जगह भी उसने खाली छोड़ दी एका एल्युमिनियम का उसके बाद डिस्कवर किया गया एलिमेंट गैलियम ठीक है और गैलियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम सो ये मेंडेलीव की सक्सेस थी पर मेंडेलीव पीरियोडिक की बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे और वो जो ड्रॉबैक्स थे वो सक्सेसेस से ज्यादा थे तो जब हम ड्रॉबैक देखते हैं ड्रॉबैक्स द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या बोला उसने कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है टू द फर्स्ट ग्रुप और वो सिमिलर है टू द हैलोजन्स तो हाइड्रोजन को हैलोजन की जगह भी रख सकते हैं और हाइड्रोजन को कहां रख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को वो जस्टिफाई नहीं कर सका ठीक है क्लियर हो गया सेकंड बहुत सारे उसके टेबल में एनोमलस पेयर्स थे बहुत सारे उसके टेबल में एनोमलस पेयर्स थे एनोमलस पेयर्स का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है फिर भी उसने उनको इकट्ठे रखा कौन कौन से थे वो पेयर्स फॉर एग्जाम्पल आर्गन और पोटेशियम आर्गन तो नोबल गैस है और पोटेशियम क्या है पोटेशियम क्या है एल्कली मेटल ठीक है एनोमलस पेयर्स में एटॉमिक वेट्स में भी अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आर्गन का वेट कितना होता है 39.9 और पोटेशियम का वेट कितना होता है 39.1 राइट अब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंगली तो उसको क्या करना चाहिए था पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था आर्गन को बाद में रखना चाहिए था पर उसने पीरियोडिक टेबल में क्या किया पहले उसने किसको रखा आर्गन को और फिर उसने लिखा पोटेशियम को क्यों क्योंकि आर्गन जीरो ग्रुप में है और जीरो ग्रुप पहले आता है
as compared to the first group, potassium first group mein tha, theek hai. Also another pair was that of cobalt and nickel. Cobalt ka jo weight hai, और निकल का जो वेट था 58.6. सो कोबाल्ट को उसने पहले रखा और निकल को उसने बाद में रखा. सो दिस वाज अनदर वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक व्हिच हैड टू गिव सम आइडिया कि अब नेक्स्ट हमको एक और पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी करनी जरूरी थी. ठीक है, थर्ड क्या था इसका ड्रॉबैक, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप्स, position of isotopes. ठीक है, isotopes क्या होते हैं? All those atoms of same elements having same atomic mass but different atomic number but different atomic masses. So isotopes were all those atoms having different mass number. ठीक है, clear हो गया. अब इसने तो arrange करा था periodic table on the basis of masses. Masses अगर different हैं, तो उसकी placement भी different होनी चाहिए. तो isotopes के masses अलग-अलग थे. तो isotopes जैसे hydrogen के तीन isotopes हैं, protium, deuterium और tritium. Hydrogen में protium का atomic mass कितना होता है? One. Deuterium का two. और tritium का three. ठीक है, so उन तीनों में फिर क्या होना चाहिए था? तीनों की placement according to Mendeleev अलग-अलग होनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना, उसने hydrogen को तो एक ही जगह दिए. So that is why ये भी एक major drawback था कि atomic masses के basis में क्या कर सकते थे हम? Arrange नहीं कर सकते थे, क्योंकि isotopes एक बहुत बड़ा obstacle उसके बीच में आ गया था. ठीक है, fourth जो है, that is similar elements are separated and dissimilar elements. Similar elements are separated while dissimilar elements are placed together. कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग-अलग कर दिया और डिससिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठे कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल कौन-कौन से थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उसने ग्रुप कर दिया किसके साथ? कॉपर के साथ. सो लिथियम और सिल्वर, हां, जबकि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ. ये भी एक बड़ा ब्लो था इसके टेबल को, राइट? और देन मेंडेलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. Could not explain the cause of periodicity. ठीक है, periodicity क्या होती है? Recurrence of similar properties after regular interval of times. उसको हम periodicity बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अब. तो वो उसको periodicity को explain नहीं कर सका था. और last उसने कोई भी जगह नहीं दी lanthanoids और actinoids. No place was given to lanthanoids and actinoids. ठीक है, no place was given to lanthanoids or actinoids. Now depending upon so many drawbacks, successes उसके तीन हैं और drawbacks कितने हैं? Six, double. ठीक है, depending upon all these drawbacks,
तो नए साइंटिस्ट ने फिर से रिसर्च शुरू कर दी कि मेंडेलीव ने जो बोला है, जो पीरियोडिक टेबल दिया है, वो गलत है. रिसर्च दोबारा शुरू हुई और नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो था, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट मूसली. Number and periodic table. मूसली ने जो periodic table दिया, उसपे उसने elements को arrange किया in order of atomic numbers. ठीक है? और उसने एक law भी दिया, which is known as the modern periodic law. Modern periodic law. क्या बोलता है ये law? ये law बोलता है that the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers, of their atomic numbers and not atomic masses. इसके लिए इसने X-ray refraction patterns study करे बहुत सारे elements के और एक frequency का relationship दिया. Under root of nu is equal to a z minus b. ठीक है? Where a and b are constants. Nu is the frequency and z is the atomic number. Now when इस relation के accordingly various graph plot किए गए और उन graphs को जब study किया गया तो under root of nu का z के साथ जो graph था that came as a straight line. Okay, तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो frequency of elements हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर से. अब जो मेंडेलीव ने बोला था एटॉमिक मास, वो टोटली मूसली ने रूल आउट कर दिया और उसने अपना एक नया पीरियोडिक टेबल दिया व्हिच वाज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस और उसको मेमोराइज करना बहुत ईजी था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी क्वालीज वगैरह ने उसके लिए प्रिंसिपल दे दिए हुए थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अच्छे से पढ़ चुके थे. ठीक है, उसके बेसिस पे जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो ही कैटेगराइज्ड या डिवाइडेड द पीरियोडिक टेबल इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. ठीक है, ईच पीरियड में हम कौन सा क्वांटम नंबर भरेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. So let's do the periodic table. 1, 2, 3, 4, 5, 7 periods. Be careful, okay? Chal bhi yahi pe tumne kara tha. Kal yaad mera. Aur 18 groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 groups. ठीक है, electronic configuration हम अगर बोल रहे हैं ऐसे अलग वैसे draw करो, horizontally draw करो, ऐसे नहीं आएगा. जब periodic table में हम लोग groups बोल रहे हैं तो groups का मतलब क्या हुआ कि हम सॉरी पीरियड्स बोल रहे हैं तो पीरियड्स इसमें क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल रोज. तो यहां पे n is equal to 1 फर्स्ट शेल भरते हैं हम, n is equal to 2, n is equal to 3 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट पीरियड में हम फर्स्ट शेल भर रहे हैं, प्रिंसिपल शेल.
सेकंड में सेकंड और उसी तरह से हमने 7 तक जाना है ठीक है फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है s और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए जो फर्स्ट पीरियड है उसके पास क्या है कितने एलिमेंट्स ओनली 2 एलिमेंट्स ठीक है सो इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड इसने नोबल गैसेस को लास्ट में डाला है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर सो इफ यू रिमेंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2 ठीक है सेकंड में हम जाते हैं तो सेकंड में हम भरेंगे 2s 2p 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन सो टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 8 ओके सो 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड ग्रुप नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सेकंड ग्रुप तो हम b नहीं भरते हैं सिर्फ 2s और 2p भरते हैं इसलिए सेकंड ग्रुप में थर्ड से लेके 12th तक के जो ग्रुप्स हैं ये खाली रहते हैं 3 से 12th तक कोई भी एलिमेंट सेकंड पीरियड में प्रेजेंट नहीं है सो यहां पे फर्स्ट आ गया लिथियम सेकंड बेरिलियम उसके बाद आई एम सेइंग कि थर्ड से लेके 12th तक खाली है 13th में आएगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन ठीक है सो सेकंड पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव 8 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेकंड पीरियड में थर्ड पीरियड में चलते हैं थर्ड में भी 8 ही प्रेजेंट है क्योंकि जब हम थर्ड भरते हैं तो 3 भी हम भरेंगे जब पहले 4s भरते हैं अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रिंसिपल ऑफ बोह ठीक है सो थर्ड में भी हमारे पास सोडियम क्लियर मैग्नीशियम अगेन 3 से लेके 12 तक खाली एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन अब हम इसके बाद जब फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो हम डी भरना शुरू करेंगे पर अभी हम डी नहीं भरते हम सिर्फ एस और पी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं डी की जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है डी को क्योंकि याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ओके नेक्स्ट आ गया यहां पे पोटेशियम मैग्नीशियम के बाद क्या आता है कैल्शियम गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन राइट फिर नेक्स्ट फिफ्थ में रुबीडियम ठीक है स्ट्रॉन्शियम इंडियम यूरेनियम के नीचे क्या आता है टिन एंटीमनी टेलूरियम आयोडीन ज़ीनॉन ठीक फिर सीजियम बेरियम और इंडियम के बाद थेलियम लेड बिस्मथ पोलोनियम एस्टेटाइन रेडॉन सो सिक्स्थ पीरियड तक हमने एस और पी भरे हैं जब हम सेवेंथ पीरियड पे जाते हैं तो सेवेंथ पीरियड के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए सो सेवेंथ पीरियड में हम एक पढ़ते हैं फ्रांसियम और एक हम पढ़ते हैं रेडियम फ्रांसियम एंड रेडियम अब इस तरह से अगर आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करोगे तो पीरियोडिक टेबल को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है ना बिकॉज़ देयर इज नो राइमिंग
It becomes very difficult for us to memorize in periods. So, what do we do? We have periodic table in groups. We have learned that every group is the property same. If we are doing group 1, then we have to do group 1 in all properties. If we are group 2, then group 2 in all properties same. And so on. बोरोड से लेके भी आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज सेम राइट. अब कुछ पीरियड्स तो हैं जिनको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, सॉरी ग्रुप्स. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ग्रुप अगर आप देखो तो फर्स्ट में हाइड्रोजन आ गया राइट तो इसको आप कैसे लर्न करोगे? ली ना करे रब से फरियाद ट्रांसियम है, ओके. ली ना करे रब से फरियाद. सो लीना इज एल आई, सोडियम ना करे रब से फरियाद. ठीक है, उसी तरह से एक और बड़ा मजेदार सा इसमें है उस से टेपो जो कि तुम बहुत ज्यादा करते हो उस से टेपो. ठीक है, सो आप ऑक्सीजन फैमिली को भी इजीली याद रख सकते हैं राइट. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें सारों का बताऊंगी कि आपने सबको किस तरह से लर्न करना है. सो दो मैंने आज बता दिए, सो दैट आप पहले दो को ही याद करो, लीना करे रब से फरियाद और उससे टेपो. ये तो कभी नहीं भूल सकता भूल जाओगे? नहीं भूल सकते. सो अब हम थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन करते हैं इन दो को, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, फिर आपको नेक्स्ट का मेमोराइज कराऊंगी. ठीक है, सो जब हम लोग ये दोनों ग्रुप्स कर रहे हैं और डी ब्लॉक हमने नहीं करा, इसके एक जो इसकी बहुत बड़ी सक्सेस थी कि इसने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी. इतने एलिमेंट्स एक ही पीरियोडिक टेबल में डालना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो उसने क्या किया कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को अलग जगह दी. फिलिंग अब हम उसी तरह से करते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और फिलिंग हम उसी तरह से करेंगे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में हम इसको करें. ठीक है, पर क्या किया हमने, हमने तो नहीं किया, बेचारे मुस्लिम ने किया था. दो बिल्डिंग्स उसने और बना दी, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. तो बेसिकली उसने पूरा पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई करा इनटू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, सो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकेंड P block elements, third D block elements and fourth M block. According to his periodic table, the extreme left, that is the S block. ठीक है, so S block के पास सिर्फ दो ही groups present है, group 1 and group 2, right? और P block के पास 13 to 18, D block के पास 3 to 12, और F block जो है उसको separately एक जगह दे दी गई, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ठीक है, अब कैटेगराइजेशन इसकी हम कैसे करते हैं? एस ब्लॉक में सिर्फ एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे राइट, सो ns1 ns2. उसी तरह से पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? इट विल एंटर द पी सबशेल. सो पी में कितने ऑर्बिटल्स थे? 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
फिर उसके बाद d ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा इन द d सबशेल इन द d सबशेल अब इनको उसने नाम भी अलग-अलग दिए जैसे f ब्लॉक को लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दिया है उसी तरह से s ब्लॉक को और p ब्लॉक को कलेक्टिवली इसने बुलाया क्या Collectively, it was known as representative elements. D block ko usne bulaya. Transition elements. D block aap dekh rahe ho, S aur P ke center mein D block ko rakha gaya hai. To transition ka matlab kya hota hai? Change. To jo D block hai, वो प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है फ्रॉम s टू p ठीक है इसीलिए उसका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को लेके जा रहा है फ्रॉम s टू p ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को नाम दिया गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे वर नोन एज inner transition elements. The entire periodic table had metals, non-metals and metalloids. Initially, jab categorization kari gayi thi elements ki, to elements ko sirf do mein divide kiya gaya tha. One was metals and the other one was non-metals. Slowly and gradually, dekha gaya ki metals aur non-metals ke ilawa, kuch aur bhi elements hain, jo metals ki bhi kuch properties show karte hain, aur kuch non-metals ki bhi show karte hain. ठीक है, so उसके accordingly metalloid was the substance जिसके metals और non-metals दोनों की properties होती है। अब जब हम periodic table देखते हैं, तो extreme right when we are talking of s block elements only consists of metals. S block elements will always only consist of metals, मतलब lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Francium over here is radioactive. तो इसकी chemistry हम नहीं पढ़ पाते. Radioactive हमने पढ़ा था पिछले chapter में क्या होता है? जो disintegrate हो जाता है, छोटे उसमें ना. So इसकी property हम नहीं पढ़ पाते. फिर उसी तरह से beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. ये सारे metals हैं. Radium is again radioactive. Right? Whereas when we are talking of the p block mein sab hai. It consists of non-metals, it consists of metals, it will also consist of metalloids. Right? So metals, jab hum log dekhte hain yahan pe, there are very few metals in this. Tin is a metal. Lead is a metal. Bismuth is a metal. और इसमें पोलोनियम और एस्टेटाइन ये दोनों रेडियो एक्टिव पोलोनियम एंड एस्टेटाइन बोथ आर रेडियो एक्टिव टेलुरियम आल्सो शोस इन सर्टेन बुक्स टेलुरियम इज टेकन एज अ मेटल इन सर्टेन इट इज टेकन एज अ मेटलॉइड राइट सो यू कैन टेक इट एज अ मेटल ओवर हियर अब मेटलॉइड्स जब हम लोग आते हैं तो मेटलॉइड्स में आ गया एंटीमनी बिस्मथ भी काफी उसमें मेटलॉइड की तरह ही लेते हैं सो इसको भी आप शेड कर दो बिस्मथ इज आल्सो अ मेटलॉइड देन जर्मेनियम इज आल्सो अ मेटलॉइड ठीक है यहां पे गैलियम और इंडियम दे आल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स ओनली बाकी जितने भी हैं, they all are non-metals. Even aluminium is a metalloid. Aluminium is also a metalloid. सारे noble gases non-metals हैं. Fluorine, chlorine, bromine, iodine कुछ metallic character show करता है सिर्फ luster वैसे है non-metal, right? So ये सारे non-metallic हो गए, ये सारे non-metallic हो गए. ये भी non-metallic और boron भी non-metallic. So P block जो है वो पूरे periodic
ड्रॉइंग टेबल में सबसे वर्सेटाइल रूप है. वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसपे सारे टैलेंट हो, जो किसी भी तरह की एक्टिंग कर सकता है. जैसे बोलते हैं अनुपम खेर इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. ओके, सो अनुपम खेर हर तरह की एक्टिंग कर सकता है. उसी तरह से पी ब्लॉक में भी हर तरह के मेंबर्स प्रेजेंट है. सो इट इज अ वेरी वर्सेटाइल लोकैलिटी. ठीक है, डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक सिर्फ हैवी मेटल्स इसके पास होते हैं. डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ओनली हैवी मेटल्स. और हैवी मेटल्स में बहुत सारे जो कि हमें पता है, कॉपर, आयरन, कैडमियम, जिंक, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब मेटल्स जो है वो डी ब्लॉक में आते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, एफ ब्लॉक इज ऑल्सो, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल हैवी मेटल्स. एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज काफी हद तक डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक डी ब्लॉक की तरह. सो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हैवी मेटल्स. सो ये मूसली का पीरियोडिक टेबल अभी पूरा हमने नहीं करा है. टुमारो वी विल अगेन राइट डाउन ऑल दीज एलिमेंट्स. आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, और दो हमने याद कर लिए, अब हमने नेक्स्ट अगले उसमें हम चार याद करेंगे. राइट, क्लियर हो गया यहां तक? एनी प्रॉब्लम?